चाचा और सौरे के बीच कंपटीशन हो रहा है कौन दिखाई दे रहे हैं अभी। और एडी चोटी का जोर लगा रहा है शौर्य पर। अमन और शुभम का काम नहीं हुआ। घर आते ही मेरे चाची ने मेरे लिए चीजें ला रखी है। नीता और शौर्य को मिल गई है कि गप्पे भी पूरी हो गई है। कागज कहीं नहीं मिलता है वो हमें क्योंकि कल मेरी दादी के मायके वाले आने वाले हैं। स्पेशल डिश आज हमें खिला रहे हैं रवि चाचा भी काम के लिए, चाचा और चाची लोग भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा खराब है। सुबह तक बारिश हो रही थी पर अभी बारिश नहीं हो रही है। किचन की बात करूं अगर तो यहाँ पे मम्मी बना रही है नाश्ता और आज मेरी माँ नाश्ते में बना रही है कद्दू के फूल की रोटी, क्योंकि अब फूल खत्म होने वाले हैं इसीलिए ये लास्ट कद्दू की फूल की रोटी है हमारे यहाँ। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। इसी मैंने फोन करने के लिए फोन उठाया वैसे ये आ गया है, तो इसका भी ये फेवरेट है तो इसीलिए मैं फोन कर रही थी। और हमारे घर में ज्यादातर यही होता है कि कभी कभी खाना मिक्स हो जाता है, मतलब जो हम बनाते हैं वही ये बना। चाची ने इसके लिए फूल की रोटी बना रखी थी और मेरी माँ ने भी। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि ये लोग जल्दी बना लेते हैं, ये लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं और हम थोड़ा लेट। और आज तो हम काफी लेट हो गए क्योंकि आज हम बहुत लेट उठे, रात भर नींद नहीं आई और सुबह नींद आई और टाइम का पता ही नहीं चला। और मैंने तो नाश्ता कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत भयंकर भूख लग गई, पर मेरी माँ नाश्ता करेगी और अपनी माँ के लिए मुझे बनानी है मूंगफली की चटनी। और नाश्ता करने के बाद अभी मैं जा रही थी अपनी दादी के घर, पर मेरी दादी रास्ते की साफ सफाई करने पे लगी हुई है क्योंकि कल मेरी दादी के मायके वाले आने वाले हैं। तो मेरी दादी जब बेटी ससुराल आती है तो मायके वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वही चीज़ मेरी दादी अभी कर रही है कि जैसे मेरी दादी के मायके से लोग आए तो उनको बिल्कुल रास्ता वगैरह घर वगैरह सब साफ मिले, तो वही मेरी दादी अभी कर रही है। और आधा से ज़्यादा रास्ता मेरी दादी ने साफ कर दिया है, बाकी थोड़ा बहुत रह गया है वो भी मेरी दादी अभी पूरा साफ करेगी। मायके वाले मेरी दादी के कल आ रहे हैं और खुश मेरी दादी आज से ही है ना दादी। तो अभी दादी से मैंने चाची की बात करा दी है और अब मैं जा रही हूँ अपने दादा के पास क्योंकि अपने दादा के पास मेरा काम है। मैं यहाँ अब आ रही हूँ और मेरी माँ यहाँ से मिल माल के वापस भी चली गई है और मेरी माँ अभी जा रही है अपने जंगल के दोस्त तैयार करने के लिए। और कल से अनीता के दांत में दर्द हो रहा है, दांत तो तुड़वा दिया है पर अभी मेरी माँ उसकी तबीयत पूछने जा रही है और थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगी। और यहाँ की बात करें तो यहाँ 24 घंटे एक ही इंसान अवेलेबल मिलता है, वो है मेरी चाची। और मेरी बड्डी जा रखी है पता नहीं कहाँ, और दूसरी बड्डी तो शायद घास के लिए जा रखी होगी। और मेरा जो काम है वो मेरे दादा से है और मेरे दादा अभी खुद लगे हुए हैं मेरी दादी के कपड़ों से बुडीले निकालने पे। और आजकल बारिश होने की वजह से मेरे दादा लोगों का चौक लगभग पूरा सिवाली सिवाल से भर रखा है और इसमें जो सबसे भयंकर डर होता है वो फिसलन का होता है। जो कागज कहीं नहीं मिलता है हमें हमारे दादा के पास मिलता है, तो मैं अपने दादा के पास से लेने आई हूँ खतौनी और सनसाट की नकल। और मेरे दादा ने सारे ही कागज बहुत अच्छे ढंग से रखे हुए हैं। दादा को पता है कि नतेरे संभाल के नहीं रखेंगे तो दादा ही संभाल के रखते हैं, और हमें जब भी किसी को भी चाहिए होती है तो हम दादा के पास ही आते हैं। अभी मैंने सनसाट और खतौनी की नकल दादा से ले ली है, बाकी अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर में बाजार अमन के कागज बनाने के लिए। और ये मेरे पास आया और मैं जब तक नाश्ता कर रही थी और इसने सोचा कि दीदी तो फ्री होगी नहीं, और यहाँ आके उसके बाद लग गया ये टीवी देखने, तो ये बहुत बड़ा टीवी लवर है मेरी मम्मी की तरह। मेरे चाची लोगों के घर में इतने पैसे हो रखे हैं कि लोग कपड़े धोते हैं, मेरी चाची पैसे धो रही है। क्या बात चाची? धोए मैंने, धोए ठीक है। अच्छा मेरे भुल्ले भी हो रखे हैं, तो इसके पास तो है रुपए। मेरी चाची कर रही है अपना काम और देखते हैं मेरी चाची ने मेरा काम करा या नहीं करा। तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई बात नहीं जब टाइम मिलेगा तब करना, आराम से करना। बाद में सबके कन तब। तो अभी मैं जा रही हूँ चाचा लोगों के यहाँ अनीता का दांत का दर्द पूछने के लिए। बाकी ठीक सामने पे देखिए दयाराम भाई भी आज किसी का सिलेंडर ला रहा है। तो आज चाचा और सौर्य के बीच कंपटीशन हो रहा है तो देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। बाकी सौर्य ने चाचा को चैलेंज किया है कि वो चाचा को हरा देगा। चलो वन। अरे वन टू।
और एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है शौर्य पर, फिर भी नहीं जीत पाया। पता नहीं चाचा कहाँ कहाँ से आ जाता है ये मेरे साथ। चाचा जीत गए हैं और ये बेचारा यहाँ देखो देखो दादी की नाखून देखो दोस्तों, दादी की बच्ची भी जीत ले चाचा के नाखून मारे मुझे। चाचा ने तुझे चुंड दिया है दोस्तों, यही जीत गया मेरा छोड़ने। हाँ चाचा आप हार गए यार, कैसे दांत का दर्द कुछ नहीं बताया आज? बढ़िया। और थोड़ी देर चाचा के साथ बैठने के बाद अभी मैं जा रही हूँ घर। और अभी मैं और दादी जा रहे हैं मार्केट में, मेरा अपना भी काम है और दादी का भी काम है, और चलने के मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। तो मेरी दादी बोल रही है कि सकेंगे बल जो कभी पहुंच के। आगे टाइम से अपनी दादी का इंतज़ार यहाँ पे कर रही हूँ, और यहाँ पे अभी मेरी दोनों तीनों दादी मिल गई है, तो ये आराम से गप्पे मार रहे हैं। और यहाँ पे भी काफी टाइम से काम हो रहा है जिसको अभी पूरा होने में बहुत समय लगेगा। जैसी आजकल रात को बारिश होती है, और ये सारा मलबा आधा से ज्यादा हमारे गांव में चला जाता है। और मेरी दोनों दादी की गप्पे ही पूरी नहीं हो रही भाई, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई, पर अब मेरी दादी अपने टाइम से आएगी आराम से। दादी की गप्पे भी पूरी हो गई है और मेरी दादी रोड तक भी पहुँच गई है बहुत मुश्किल से। अभी दादी का काम तो हो गया है, पर अमन और शुभम का काम नहीं हुआ। अभी टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से उनका काम नहीं हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने घर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और मुझे भूख लग गई है। तो अब थोड़ी देर बाद फिर से आऊँगी मैं। ये अच्छी बात है कि आज ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाने को बोला जब धूप नहीं है, तो आज दो तीन चक्कर एक साथ मर सकते हैं मार्केट के, क्योंकि जब धूप होती है तब बहुत भयंकर गर्मी लगती है, और ये चढ़ाई चढ़ने में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए आज का मौसम थोड़ा ठीक है, तो आज मैं पूरे दिन भर मार्केट और मार्केट से घर ऐसा घूम सकती हूँ। और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और आज मेरी माँ ने मेरा फेवरेट खाना बना रखा है, अरहर की दाल और भात। तो अभी फटाफट पहले मैं खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद मुझे फिर से जाना है अभी मार्केट। कौन दिखाई दे रहे हैं अभी? वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो। प्रणाम। और काफी दिनों के बाद आज हमारी बिट्टू भी आ गई। घर आते ही मेरे चाचा ने मेरे लिए चीजें ला रखी है। थैंक यू चाचा। और मुझे सर दर्द हो रहा है, और अपने चाचा को देखकर मेरा सर दर्द दूर हो गया। तो चाची सभी बच्चों के लिए चीजें ला रखी है, मुझे, अनीता और शौर्य को मिल गई है। और आज मेरे भैया और चाचा भी आ गए। पूरा डब्बा मेरा दिखाया। और क्या भाई, चाची लोग आए मेरे तो। अभी अनीता ने हम सबके लिए बना दी है चाय। और खाना खाने के बाद अभी फिर से हम जा रहे हैं मार्केट, और अभी मैंने अपने साथ शौर्य को भी ले जाया है, क्योंकि इसका भी काम है, ये कुछ थैला लेके जा रहा है मार्केट। और मैं जा रही हूँ मार्केट, और मेरी माँ घूम फिर के आ गई है। सुबह से मैं भटक रही थी, पर अभी काम हो गया और शौर्य का काम भी हो गया, तो अब हम जा रहे हैं घर। और आजकल हमारा नब्बू पड़ाकू बन रखा है, तो अभी बस छेड़ करना ही होता है इन्हें, चाहे कुछ हो जाए। तो अभी नब्बू जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, और ये हाल है इनके, क्या बड़ा भाई बनेगा रे तू। बहुत ही ज़रूरी काम के लिए चाचा और चाची लोग भी आ गए हैं घर, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और वो किस काम से आए हैं ये सबको कल के ब्लॉग में पता लग जाएगा। और ये स्पेशल डिश आज हमें खिला रहे हैं रवि चाचा।
और खाना खा के हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नीता भोगड़ा, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।